ब्लैकलिस्टेड कंपनी को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं वो अब चार मांगे रख रहे हैं प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए। जो तस्वीरें यहां पर देखने को मिली उससे ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस मिलकर एक कंपनी के फेवर में खड़ी हो गई, सपोर्ट कर रही है उसको, और उसके लिए चाहे फिर युवाओं का भविष्य तबाह होता है, उनका सर फोड़ना, डंडे लेकर पुलिस वाले सर के ऊपर मार रहे थे, बड़ी बात तो ये देखिए सर के ऊपर ही वार कर रहे थे। तो अगर वो युवाओं का भविष्य तबाह होता है, अगर वो जान से भी जाते हैं जाए, लेकिन एपटेक को दागी कंपनी को समर्थन जरूर करेंगे। लेकिन जो चार मांगे रखी है वो जानने की कोशिश करेंगे इनसे। अतुल जी क्या कहना चाहोगे कि प्रदर्शन समाप्त की अभी कोई है? देखिए तब तक ये मुहिम जारी रहेगी जिस तरह से आपने कहा कि चार मांगे जब तक वो पूरी नहीं होती। दीपक जी मसला ये है कि एपटेक कंपनी ही क्यों, पहला सवाल तो वहीं से शुरू हुआ। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? अभी हमारे चेयरमैन साहब JKSSB के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं हाँ ये कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट थी, बैन थी, लेकिन अब नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ऐसी मजबूरी क्या है, और दूसरा किन कारणों में, किन कंडीशंस के अंदर आपने टेंडर में क्लॉज चेंज किया था जिसको चेंज करने से एपटेक को सहायता मिली? क्योंकि पहले क्लॉज में लिखा था कोई भी कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड हो वो अपीयर ही नहीं हो सकती, उसको विड्रॉ करते हैं, फिर नया टेंडर इशू करते हैं कि जो अभी प्रेजेंट में ब्लैकलिस्टेड ना हो वो चलेगा। यानी कि कंडीशन इस हिसाब से बदले गए ताकि एपटेक को स्मूथ एंट्री इस प्रोसेस में दी जाए। दूसरा ये कहते हैं पास्ट में एपटेक ब्लैकलिस्टेड थी। जनाब अखबार तो सब पढ़ते होंगे और खासकर ये ब्यूरोक्रेसी तो जरूर पढ़ती होगी। इसी एपटेक कंपनी ने हाल ही में फरवरी के महीने में ले में पेपर में गड़बड़ घोटाला किया केवी के, वहां FIR लगी है, सिट बनी है, मैडम PD नित्या ने उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उसके बारे में चेयरमैन साहब कहते हैं हम लोग अवेयर नहीं है। सीटेट का पेपर पूरे भारत में हुआ, केवी का पेपर पूरे भारत में हुआ, इसी कंपनी ने करवाया, कितने राज्यों में उसके ऊपर FIR हुई, कितने राज्यों में इस एपटेक के सुपरवाइजर सिटी हेड गिरफ्तार हुए, उस सब को देखने के बावजूद भी कैसे ये कंपनी अपनी आंखें JKSSB बंद कर रही है, और क्यों मजबूर कर रही है कि हमारे भविष्य को एक ब्लैकलिस्टेड टेंटेड कंपनी के हाथों में ही बेचना है। हमारी चार मुख्य मांगे हैं। पहली कि जो कैलेंडर आपने अभी इशू किया है, क्योंकि ये जनवरी फरवरी की बात है जब इस कंपनी ने सारे पेपर लीक किए हैं, तो हम तैयार नहीं है इस कंपनी के हाथों में अगले पेपर देने के लिए, क्योंकि फाइनेंस का एक अहम पेपर आने वाला है, पिछली बार भी लीक था, फाइनल स्टेज पर जाकर कैंसिल हुआ। आप इसी कंपनी से करवाएंगे, बाद में लीक होगा, फिर कैंसिल करेंगे, लाखों युवाओं का दिमागी संतुलन बिगड़ता है जो तीन तीन चार चार वर्ष से तैयारियां कर रहे हैं। ये बिगाड़ने के लिए तैयार है। तो पहली चीज उस कैलेंडर को जल्द से जल्द विड्रॉ किया जाए, दूसरा एपटेक को रिक्रूटमेंट से बाहर किया जाए, सरकार अपने हाथों में ले। करोड़ों रुपए हम लोग देते हैं ना जब हम फॉर्म भर रहे हैं इसके, ये फॉर्म भरवाते हैं दो साल पहले, फिर दो साल तक रिक्रूटमेंट नहीं होती, फिर कहते सब कैंसिल हो गया, दोबारा से फॉर्म भरो। वो रेवेन्यू का इस्तेमाल सरकार खुद करे। प्राइवेट कंपनी के पास ऐसा कैसा रिसोर्स है जो सरकार के पास नहीं है? सरकार के पास तमाम सरकारी दायरे के अफसर हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है। आप चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी को दी नहीं जाए, प्राइवेट कंपनी का रोल ही खत्म कर दिया जाए जनाब, क्योंकि जब पिछली बार आप CBI की इन्वेस्टिगेशन देखिए ना, अकाउंटेबिलिटी किसकी आ गई? एक 5,000 का मुलाजिम जो पेपर पैक करता है, इन्होंने कह दिया जनाब उसने पेपर निकाला, सभी को बचा रहे थे। अगर कोई सरकारी दायरा होता, चाहे क्लास 4th एम्प्लॉई होता, उसको नौकरी का तो होता ना कि मेरी नौकरी जाएगी, बदनामी होगी, एक अकाउंटेबिलिटी तय होती। हमारे पास रणबीर प्रेस है, हमारे पास बड़े बड़े कॉलेज हैं जहां सेंटर बनाए जा सकते हैं, हमारे पास पूरी सरकार का इंप्लॉयज है, करोड़ों की संख्या में वोटिंग करवाते हैं ना हम लोग, वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए टीचर को घर घर भेजा जाता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज पब्लिक रिक्रूटमेंट, इसमें सरकार अपना रोल क्यों नहीं बनाती, क्यों प्राइवेट प्लेयर के हाथों में हमें बेचा जाता है? तो एपटेक को खत्म कर दिया जाए। तीसरा, जो पेपर एपटेक ने करवाए अभी तक, जो मजबूरी में हम लोगों ने दिए, हमारे पास इनपुट्स हैं, बड़ी जिम्मेवारी के साथ हम कह रहे हैं वो पेपर लीक थे, उसको लेकर इनपुट्स हमने पुलिस को, तमाम सारी एजेंसीज को दी है, उन सभी CBD पेपर जो एपटेक ने करवाए हैं उसकी टेक्निकल जांच होनी चाहिए, और वो जांच एक IT एक्सपर्ट करे, क्योंकि चेयरमैन साहब दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, उनके साथी रोज प्रेस रिलीज दे रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ गई है, CCTV लग गया है, धारा 144 लग गई है, मैजिस्ट्रेट लगा दिए हैं, लेकिन इनको जड़ का ही पता नहीं है कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, तो ये कैसे रोकेंगे? बीमारी का इलाज तब पता होता है जब बीमारी का पता चले, इनको तो अभी बीमारी मालूम नहीं है,
ये रोज प्रेस रिलीज दे रहे हैं ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन है कहां? सिस्टम कैसे बग होता है उसको स्टडी कीजिए। इस कंपनी ने कहां कहां पेपर लीक करवाया, कहां कहां इसके ऊपर एफआईआर लगी, उसको पढ़िए महोदय, फिर हमारे साथ डिबेट पे आ जाइए। कैसे लीक करवाया? देखिए सिस्टम लूपिंग की जाती है, एनी डेस्क और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें एस्पिरेंट डम्मी बनके सेंटर पे बैठा होता है, लेकिन पेपर तो बाहर से होता है। हमने पंजाब के सेंटर्स में देखा एस्पिरेंट्स बैठे हैं, पेपर तो हरियाणा पानीपत में हो रहे थे। नहीं तो ये चेयरमैन साहब को नहीं समझ आया कि कैसे? जनाब ये केएस ऑफिसर्स को लगाते हैं, उनको आगे शील्ड के तौर पे खड़ा कर दिया कि इनके होते हुए कैसे होगा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वो जब से क्वालिफाई करके आए हैं उनको आईटी की इतनी जानकारी नहीं है। नेशनल लेवल का नीट का एग्जाम लीक हो जाता है, जेईई मेंस का लीक हो जाता है, जहां पूरे देश की एजेंसियां लगी होती हैं। क्यों? क्योंकि आईटी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, रशियन हैकर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। ये लोग पहले मुद्दे को स्टडी नहीं करना चाहते और हम लोगों पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक साजिश है। हम आपसे नौकरियां थोड़े मांग रहे हैं, हम पारदर्शी तरीके से रिक्रूटमेंट मांग रहे हैं। आप वो करवाइए, हमें राजनीति का कोई शौक नहीं, आप खुद करवाइए रिक्रूटमेंट। पूरा पूरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बनाया है, करोड़ों रुपए आपको सैलरी मिलती है, असर साहब के पास है, तो आप खुद रिक्रूटमेंट कीजिए ना, हम क्यों प्राइवेट प्लेयर के हाथों में जाएं। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी आप हमें डराइए, धमकाइए, जो चार्ज लगाना लगाइए, लेकिन अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट्स में धांधली नहीं होने दी जाएगी, हम लोग अपने भविष्य का सौदा नहीं होने देंगे, ये इनको साफ बता देते हैं। और कल हमारा इसको लेकर कैंडल मार्च है, 6 बजे कच्ची छोनी से गवर्नर हाउस तक हम लोग कूच करेंगे, क्योंकि अभी तक जिन अधिकारियों से हम मिले उनका कहना है जी हमारे हाथ में तो है ही कुछ नहीं, ये एलजी साहब जाने और जेकेएसएसबी जाने। तो ऐसे में अब हमें एलजी साहब तक ही पहुंचना है और उसके लिए तमाम सारे सोशल संगठन, बार, चैंबर, ट्रांसपोर्ट, जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, आने वाले एस्पिरेंट्स जो कॉलेज स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो भी, उनके भी भविष्य का सवाल है। तमाम लोग इस करप्शन के खिलाफ इस मूवमेंट में हमारा साथ दें, सहयोग दें, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि फाइनली इस करप्ट सिस्टम को लखनपुर से हम लोगों को पार भेजना है। अच्छा मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। अच्छा खालिक साहब, आपसे कुछ देर पहले जेकेएसएसबी के चेयरमैन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सुनी आपने? बिल्कुल सर, सुनी नहीं, अभी मौका नहीं मिला, सुनेंगे भी, अगर नहीं भी सुनेंगे हमें पता वो क्या बोलेंगे। क्या बोले? वो ये बोलेंगे जो उन्होंने सर्कुलर निकाला है उसमें जो तथ्य रखे हैं यही चीज बोलेंगे, लेकिन हमारे कुछ सवाल है चेयरमैन से नहीं। चेयरमैन ऑलरेडी एडमिट कर चुका है कि उसको डायरेक्शन मिलती है, वो कठपुतली है, कठपुतली समझते हैं जो आर्डर टेबल वो करे। आपके साथ टेबल पे बैठ के बताया कि वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उन्होंने वो कठपुतली है? सर ये देखो चीजें, एक कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है, कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है, अगर कोई क्राइम करता है करने के बाद उसको कमीशन ऑफ ऑफेंस उसने इंटेंशनली किया है या गलती से हो गया है। अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक हुआ है या पेपर लीक करवाया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, सारी चीजें, यानी पेपर लीक, एफआईआर लॉज हो गई, एफआईआर लॉज होने का मतलब है कि कमीशन ऑफ ऑफेंस हैज बीन डन, कि कमीशन ऑफ ऑफेंस हो चुका है, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो अगर हो चुका है तो भैया आप ये चीज बताएं, फिर आप उसी कंपनी को, एक चीज है कि आपको कोई चीज प्रूफ करनी है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, सिंगल जज वो प्रूफ कर चुका, सिंगल जज ने प्रूफ कर दिया कि ये कंपनी जो है ब्लैकलिस्टेड है, ब्लैकलिस्टेड है, और ब्लैकलिस्टेड कंपनी रेस्ट ऑफ इंडिया में है, प्रूव हो गया। अब उस चीज को एक हम कहते हैं उसको टेक्निकल टैक्टिस, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो एक रेमेडीज है हर किसी को अवेल होती है, वो उसको उसका यूज कर सकता है। और देखो अगर एक अनपढ़ आदमी क्रिमिनल बनेगा ना उसको सही करना बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, कानून जानने वाला, जब वो इनलीगल ग्रेटिफिकेशन लेने के बाद, इनलीगल ग्रेटिफिकेशन होता है रिश्वतखोरी करने के बाद, अगर वो आ जाए क्राइम करने पे, यानी कैसे वो चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल है यूथ के लिए। अगर हम पढ़ी लिखी यूथ इनको आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि
अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं, आपके लिए एक स्पेशल प्रोटोकॉल बना है, आपको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ऐसे ही हम सिटीजन हैं, हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कानून दिया है, उस कानून के तहत जो सरकार बनती है उस सरकार को पब्लिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना होता है। यह आर्टिकल 14 कहता है कि सरकार ऐसी कोई भी पॉलिसी लेके नहीं आएगी, ऐसी पॉलिसी, इसलिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्रिएट किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है JKSSB। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, जितने भी आपके दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उन पढ़े लिखी यूथ को अवेयर करना चाहता हूं कि ये कानून है कि आपका राइट का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 21 का। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो किसने करना है? सरकार ने। सरकार अगर कंपिटेंट नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए, तो उनको क्या करना चाहिए फिर? अगर गवर्नर आपने यहां पे लाया है तो किस लिए लाया? उसको सेंटर मॉनिटर कर रही है, पावरों को डिसेंट्रलाइज किया है, तो पब्लिक इंटरेस्ट सेटिस्फाई करने के लिए लाया। अगर उससे नहीं हो रहा है तो उसको वापस भेज दीजिए, फिर तो उनका काम नहीं है ना यहाँ पे। अगर उनका काम यहाँ पे है तो वो कंपिटेंट अथॉरिटी है, तो वो कॉग्निजेंस लें। तो कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे हैं? कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं बच्चों को मैनिपुलेट करके। कल ADC इज नॉट अ कंपिटेंट अथॉरिटी, वो हमारी ग्रेवेंस को सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर सकता है। वो कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, आपको डिटेन कर रहे हैं। भैया हमने वायलेशन ही नहीं की, डिटेंशन किस चीज का है? डिटेंशन आप वार्ड 44 जहां पे इम्पोज करते हो वहां का ऑर्डर दिखाइए, रिस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा है। यहां रिस्ट्रिक्टेड था तो पनामा चौक में कल क्या था? जब आपने बच्चों को अरेस्ट कर रहे हो, बच्चों को आप डिटेन कर रहे हो, किस ऑर्डर के तहत कर रहे हो? मतलब डेमोक्रेसी में जब आपका राइट है, आर्टिकल आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया हुआ, आप कहीं भी असेंबल हो सकते हैं, आप कहीं भी गैदरिंग करके अपनी ग्रेविंस को एड्रेस कर सकते हैं, तो भैया कहां पे है वो? वो कहां पे है? आप तो बिना 144 इंपोज किए बच्चों को अंदर से पहले बोलते हो आ जाओ बाहर। जो आप एक बंदा लीड कर रहा है, लीडर है, वो लीड कर रहा है यूथ को, बोल रहा है कि भैया ये इशू है हमारे, हम एक साथ मिलकर इनको एड्रेस करेंगे। यहाँ पे लीडर कोई नहीं है। एक बात मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूँ आपको कि कहीं मैंने सुना कि चेयरमैन साहब ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट चाहते हैं। मैं कहूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। पहली बात, हम एस्पिरेंट हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऑरेज हो रहे हैं, नौकरी चाहिए। सरकार के तीन काम होते हैं, एक होती कंपेटेंसी, कंसिस्टेंसी और अकाउंटेबिलिटी। कंसिस्टेंसी ये होती है कि आपको साल के बाद आपको हर साल रिक्रूटमेंट करनी है ताकि बच्चे ओवरेज ना हो। कितने साल के बाद रिक्रूटमेंट? 2014 से कौन सी अच्छे फेयर वे से कौन सी रिक्रूटमेंट हुई, वो सब ठीक है। अभी चेयरमैन साहब की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो कह रहे हैं कि हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं एग्जाम के, सीसीटीवी कैमरा, आप एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा देते हैं, वो मजिस्ट्रेट वहां अवेलेबल नहीं होता। आप हर सेंटर पे मजिस्ट्रेट भेजेंगे, अगर भेजेंगे छोड़िए, मैं अंदर की, अंदर को क्या करोगे आप? अंदर क्या करोगे? जो सिस्टम रिमोट कंट्रोल पर चल रहा है, आपके पास आईटी एक्सपर्ट ही नहीं है। आपके पास जब आईटी एक्सपर्ट ही नहीं है तो मतलब JKSSB एग्जाम करवाने के लिए कंपिटेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप मुझे एक भी बंदा वो बताएं कि जो उनके पास, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी एक्सपर्ट वहां एग्जाम सेंटर में JKSSB वहां पर 10th पास और 12th पास बच्चियां और बच्चे लगाए जाते हैं जो हमारे इन्विजिलेटर होते हैं, यानी जो एग्जाम करवाते हैं, और जो कंपनी से होते हैं एपटेक से, वो हैकर होते हैं, वो सिस्टम को हैक करने बैठे होते हैं। JKSSB को क्या पता है क्या हो रहा है? ये तो ये चीजें वो बोल रहे हैं, हमें सेंटर से गाइडलाइन आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब अगर सेंटर से गाइडलाइन उनको पेपर करवाने की आ रही है, मतलब कि सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, इसका मतलब सेंटर से ये भी गाइडलाइन आ रही है कि आप टेंटेड कंपनी से ही करवाओ, इसका मतलब पेपर लीक नहीं हो रहे, पेपर लीक करवाए जा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। ये वो इस चीज को चेयरमैन ये भी कह रहे हैं कि हमने जो टेंडर निकाला था उसमें जो नॉर्म्स थे वो फुलफिल किए हैं इस कंपनी ने जो अभी एग्जाम कंडक्ट कर रही है। बोलो, आप जज साहब नहीं हैं? दो जजों ने इस विषय को बहुत अच्छे से सुना है और सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व हुई है। इस बात पे उन पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट इशू होना चाहिए कि अगर सब जुडिशियल मैटर
तो आप उसमें कैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे से किया, आपने तो वो आपके लीगल काउंसिल जो डीसी रैना साहब है उन्होंने कोर्ट के भीतर वो आर्ग्यूमेंट किया है। आर्ग्यूमेंट करने के बाद उस पर डिसीजन होना, तो डिसीजन जज लेगा ना, चेयरमैन साहब लेंगे, वो तो उसमें एक्यूज है, वो तो उसमें पार्टी है। तो अगर वो एक पार्टी ऐसी स्टेटमेंट दे रही है तो वो क्या बोलते नहीं, वो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की वायलेशन कर रहे हैं कि अगर जो चीज सब जुडिश है उस पर वो ये चीज बोल रहे हैं कि हमने बड़े अच्छे से किया है। आपने तो कोर्ट में अपना पक्ष रख दिया है ना, जब आपने अपना पक्ष कोर्ट में रख दिया है आप ये चीज आज कैसे कहते हैं? मैंने अभी तक वो स्टेटमेंट सुनी नहीं, आपका सवाल था मैंने जवाब दिया, मैं स्टेटमेंट सुनूंगा, मैं कोर्ट करके बताऊंगा। अगर उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि हमने बड़े अच्छे से किया है, तो भैया अभी जजमेंट आई नहीं है, आप कोर्ट हो क्या? जो कंपनी हमने जो कंपनी इस समय पेपर कंडक्ट कर रही है एपटेक, उसने जो टेंडरिंग की बिड थी उसमें जो नॉर्म्स थे फुलफिल किया। तो देखिए सर, उसके लिए सिंगल बेंच था, पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट है जिसकी रिट ज्यूरिडिक्शन है, उसके तहत उसकी सुनवाई हुई है, वो सुनवाई होने के बाद ऑर्डर आ चुका है हमारे फेवर में। अब वो डबल बेंच में चैलेंज हुआ, एलपीए लगी है जो इन्होंने लगाई है, इन्होंने कहा हमें सुना नहीं गया, उनकी सुनवाई हो चुकी है, अब सिर्फ जजमेंट रिजर्व हो रही, ऑर्डर आना बाकी है, उसका वेट करें। अच्छा सतबीर जी, आप क्या कहना चाहते हो, ये सारा जो जो भी इस समय हलचल चल रही है शहर के अंदर, क्या कहना चाहोगे? देखिए सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर इस वक्त जो है वो दांधलियों का एक परमानेंट पक्का अड्डा बन चुका है, और देश भर में किसी भी कंपनी है उसको पता है अगर हमें दांधली करनी है, कालाबाजारी करनी है, युवाओं का बेड़ा गर्क करना है, वो सबसे अच्छी जगह जो है वो जम्मू कश्मीर आज की डेट में बन चुकी है। लेकिन एक बात मैंने देखी है, बेड़ा गर्क करने की मंशा तो नहीं लगती जो भी लोग धांधलियां करते हैं, लेकिन उनका पैसा, पैसे में इंटरेस्ट बहुत है कि वो कहते हैं कि जितना पैसा जहां से भी आए वो हम वो लेना चाहते हैं, वो फिर बिजनेसमैन इस तरह की सोच रखेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं लगता ऐसा, ऐसी सोच है इनको, ये पैसा लेना चाहते हैं, पैसे के बाद ही बेड़ा गर्क तो उसी के साथ होता है ना, उन्हें समझ नहीं आता ना, वो उस तरफ देखते नहीं है, उनको पता नहीं है कि बेड़ा गर्क हो रहा है। नहीं अब देख रहे हैं ना, अभी आप देख रहे हो, सभी देख रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें बनी हुई है जेके एसएसबी के, जम्मू कश्मीर हमें लगता है पूरे देश की नजरें जो है, पूरे देश की नजरें बनी हुई है। आपने देखा ट्विटर पे क्या हालत हो रही है, ट्विटर पे इनकी कितनी फजीहत हो रही है, ये 25-25 लाख ले तो चुके हैं, अब देंगे कैसे वापिस? जिन्होंने जिनके लिए है उनका भी इनको डंडा है कि भाई अगर हमारे लोग तो हम धरने पे आ जाएंगे, और जिन्हों के खिलाफ जाके लिए हैं वो आगे रोडों पे हैं और उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, और बार बार ये जम्मू कश्मीर कौन सा है, नया जम्मू कश्मीर है, जिन्होंने लिए हैं उन पे कार्रवाई भी नहीं हो रही, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इसका रीजन बताएं, हमें बताएं ना उसका रीजन क्या है। मैं बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का सारा का युवा जितना भी है सब सड़कों पे है, लाठियां खा रहा है, दो दिन से हम जेल भरो आंदोलन भी चला, जेलों में भी रहे, जेलों से बाहर भी आए, लेकिन डिमांड सिर्फ एक है, एपटेक, एपटेक को बाहर कर दिया जाए। कौन सी ये बहुत बड़ी डिमांड है जो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इनका ऐसा रिश्ता क्या है एपटेक के साथ, मेरे को ये समझ नहीं, इनका ये रिश्ता क्या कहलाता है एपटेक के साथ कि एपटेक के खिलाफ ये उफ करने तक को राजी नहीं है, क्यों तक नहीं कर रहा कोई। हमारे पास कल भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी आए, हमने उनसे भी ये कहा इस एपटेक को भगा दीजिए, अगर एपटेक को नहीं भगा सकते तो आप जाइए ना वहां पे 25-25 इस्तीफा दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, नहीं तो एलटी साहब को बोलिए कि एलटी साहब नहीं संभल रहा, पूरी बताइए ना, नहीं सुनवाई है तो हमें लेके जाइए, एलटी साहब से जम्मू कश्मीर नहीं संभल रहा, जो सीधी सी बात है, अब तो गो बैक कश्मीर संभल रहा है या इस मैटर के ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, युवा हाथ से फिसल गया तो क्या संभलेगा, जब यूथ ही साथ में नहीं है, पूरा युवा सड़कों पे युवा डिमांड कर, ऐसा तो नहीं है कोई भाजपा का लीडर काफी बड़ा ऊंचे लेवल का लीडर इसमें इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये शांत हो गए? सवाल आपने बहुत सही पूछा, जहां तक मेरे को खबर है कि भाजपा का कोई बड़ा लीडर भी होगा ना उसकी भी सुनवाई एलजी साहब के पास नहीं है, एलजी साहब उसकी भी नहीं सुनते जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि अगर सुनते होते, क्योंकि उनको वोट लेने हैं, एलजी साहब को चले जाना है, उनको वोट लेने हैं, वो जिक्र भी कैसे करें, उनको पता उनकी सुनवाई नहीं रही है, यहाँ पे जो भी चल रहा है ना वो बाहर के सिस्टम से चल रहा है, कौन इन्वॉल्व लगता है, इन्वॉल्व कौन है, इन्वॉल्व आज की सरकार है, इन्वॉल्व आज की ब्यूरोक्रेसी है, अगर कोई पॉलिटिशियन है वो भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा प्रेशर जो है मुझे ये लगता है जम्मू कश्मीर के एलजी के सामने बीजेपी के किसी की भी नेता की सुनवाई नहीं है, क्योंकि आज तक उनका एक बयान नहीं आया, हम कितने दिनों से अंदर हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, लेकिन कौन से लीडर जो हमारे हक में बैठे, क्योंकि उनको दिल्ली से भी पता
चल गया, वहां के दरवाजे बंद हो गया और यहाँ के भी एलजी साहब ने बंद करके रखे हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं बात करेंगे बात करेंगे। ये कौन सी बात कर रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर का युवा सड़कों पे है, सब कुछ पता है, सब कुछ बताया जा रहा है, सबूत एक एक इकट्ठा करके हम इनको दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरे से पहले हमने एस्पिरेंट्स के साथ बात की, एस्पिरेंट्स से टू द पॉइंट बात बताई है, टू द पॉइंट बात बताई, हर एक चीज बताई है। ये छोड़िए, फायर एंड इमरजेंसी है, उनका तो बंदा भी ये कह रहा है जनाब मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं ही चोर हूं, मैंने ही चोरी की है, मैंने ही गपला किया है, मान जाइए मान जाइए। ये मान नहीं रहे, इन्होंने पूरे फायर एंड इमरजेंसी वालों को घुमा के रखा है, यहाँ पे जेके पी एस आई वालों को घुमा रहे हैं, ये फाह वालों को घुमा रहे हैं, जेई वालों को, ये यहाँ पे एक किस्म का दांधली का अड्डा बनाना चाहते हैं। मैं तो ये भी चाहता हूं कि जेके एस एस बी का भी स्वाहा कर दिया जाए, जेके एस एस बी को भी खत्म कर दिया जाए, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि ये आजकल जम्मू कश्मीर के युवा को बेड़ा गर्क करने लगी है। गो बैक, ये एपटेक गो बैक बड़ा हो गया, लेकिन जितने दिनों से मैं देख रहा हूं पिछले जब से एलजी साहब यहां पे है, अब गो बैक एलजी साहब भी मेरे ख्याल से करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की तो सुन नहीं रहे। बीजेपी को हम ऑफर देना चाहते हैं, जेके एसएसबी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं कहेंगे, कहूंगा क्यों नहीं कहूंगा, जो पीला पंजाब वो जेके एसएसबी पे भी चलाइए ना, उसको ही खत्म कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अगर ये जेके एसएसबी रहेगा नहीं तो एपटेक कहां से आएगी। और आज बड़ी लाइव में सुन रहा था, शायद तो चेयरमैन उनके मुझे याद नहीं, सुन रहा था अभी मैं उनका, तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं जी जो ले में हुआ हमें पता नहीं, ये कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में, इनको कुछ पता नहीं है। और ऐसे लोगों को हमारा भविष्य सौंप दिया गया है, हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो है वो पीछे हट जाए, और मैं यही चाहूंगा। ये पता नहीं जो कह रहे हैं, ये जो छात्र अभी प्रदर्शन कर रहे थे, इनसे कुछ हमें जानकारियां मिली कि इनके पीछे कुछ बंदे लगा रखे हैं, तो इनकी जानकारियां एक मिनट में एकत्रित करेंगे तो उधर नहीं करेंगे। वही तो मुझे किसी ने बताया कि मेरे को फोन आता है, मेरे पापा का, मम्मी का, बहन का, दादा का, दादी का, चाचा का, नानी का, सारा कुछ पूछ रहे भैया क्या करना है, मतलब कि ये बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि डर जाएं, क्यों डरे भाई, चोर है क्या, चोर को डर होगा, डर आपको होना चाहिए, हमें कोई डर नहीं है, और हम पहले दिन से लड़ रहे हैं आगे भी लड़ेंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी शर्म हया है, थोड़ी सी शर्म है आए तो इसकी पूरी की पूरी तहकीकात कराई जाए, बड़े से बड़े लीडर हो या बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट उसको अंदर किया जाए, हमारी ये डिमांड है। और एपटेक से आपका रिश्ता क्या कहलाता है, एपटेक को आप बाहर क्यों नहीं करते, एपटेक के साथ आपका रिश्ता क्या है, ये कौन सा रिश्ता है जो आज तक आपको पता नहीं चल रहा, जल्द से जल्द ये क्लियर करें, हम यही चाहते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो मेरी बात सुनिए, ये यूथ कितना है जम्मू कश्मीर का, ये सड़कों पर लेटेगा, डंडे खाएगा, लातियां खाएगा, रोज अंदर होगा, तुम्हें दिखाएगा, और गो बैक एपटेक गो बैक बहुत हो चुका है, ऐसा ना हो कि गो बैक इनका कमांडर हम काम तमाम करते हैं। ये जो है एलजी साहब, अब एलजी साहब का भी गो बैक करने का वक्त आ गया है। एलजी साहब आपसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि कृपया करके कोई तो हम पे रहम कीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, यही कहना चाहते हैं। जय शुक्रिया, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो क्रोध देखें, गुस्सा देखें, और चार मांगें जेके एसएसबी एस्पायरेंटों की तरफ से रखी गई हैं कि एक तो एपटेक को यहां से वापस भेज दो, दूसरा एपटेक में जो एग्जाम कंडक्ट किए हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, और एक कुछ और भी दो और मांगे इन्होंने रखी हैं। तो जब वो ये कह रहे हैं कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हम लोग अब हटने वाले नहीं हैं, कैंडल मार्च भी करेंगे, कैंडल मार्च निकालने के लिए कह रहे हैं कि गवर्नर हाउस तक मार्च करेंगे, तो ये सब चीज़ें स्थितियाँ जो हैं वो धीरे धीरे आगे चलकर और ख़राब हो सकती हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि किस बात को लेकर चुप्पी साध रखी है जम्मू कश्मीर की सरकार ने, ये स्कैम धांधलियाँ यहाँ पर हो रही हैं और नई नई चीज़ें निकालकर युवाओं को गुमराह करने का प्रयास किस लिए ये हो रहा है, और सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी, इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें। और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।